उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति की 11,000 के चालू लाइन की तार में सटने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि सोनभद्र के चैरी ग्राम पंचायत की हरिजन बस्ती के पास यह व्यक्ति शौच के लिए गया हुआ था। यहां यह करंट की चपेट में आ गया। मृतक के बेटे संजीत ने बताया कि उसके पिता सुबह के समय शौच के लिए निकले थे। रात में किसी वक्त 11,000 का तार टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया था और लाइन की सप्लाई चालू थी, जिसके चलते वह करंट की चपेट में आ गए। जब कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ी तो उनके माध्यम से लोगों को सूचना मिली। आनन फानन में लाइन को बंद करवाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं अचानक हुई घटना के चलते परिजनों में कोहराम मच गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी म्योरपुर अजय कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का नाम राम जन्म है, जो 45 वर्ष के हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। संजीत कुमार, ये कैसे हुआ है? हमारे पापा हैं, वो लाइन गए थे, क्या कहते हैं, फ्रेश हो रहे हैं। हाँ। और उन्हें लाइन में चपेट में आ गए थे। तार टूटा था। 11,000 के तार टूटे थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।